बाड़मेर मलाणी की जनता करे पुकार का नारा इन दिनों बुलंद हो रखा है। नरेंद्र मोदी सरकार के आम बजट से पहले अब बाड़मेर के लोगों ने बाड़मेर से मुंबई के लिए ट्रेन शुरू करने को लेकर झंडा बुलंद कर दिया है। बाड़मेर से मुंबई ट्रेन को लेकर बस एक बात मुखर हो रही है कि अब तो दो हमें ट्रेन की सौगात। बाड़मेर के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रघुवीर सिंह कामलोर ने केंद्र सरकार से बाड़मेर से मुंबई ट्रेन शुरू करने की अपील की है। उनका कहना है कि मालानी की जनता की ये पुकार है कि बाड़मेर से मुंबई ट्रेन शुरू हो, इससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचेगा। बाड़मेर से मुंबई को लेकर जो रेल यात्रा शुरू करने के लिए जो बाड़मेर जिले के अंदर मुहिम चल रही है उसमें मैं पूर्णतया तन मन धन से साथ में हूँ। और बाड़मेर जो कि अब देश का सबसे चर्चित स्थान बन गया है, चाहे व्यापार की दृष्टि हो चाहे आर्थिक दृष्टि हो, हर तरह से बाड़मेर बहुत महत्वपूर्ण जिला बन गया है। और ये जो मुंबई का रूट है वाया अहमदाबाद होके मुंबई के लिए जो रेल यात्रा शुरू करने का एक सपना है बाड़मेर वासियों का, मालाणी की जनता का, ये सपना तभी पूरा होगा जब सरकार इस मुहिम को अपने इस मुहिम के अंदर लेगी। और निश्चित रूप से हर व्यक्ति को, हर एक नागरिक को इस मुहिम से फायदा मिलेगा। और मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते और बाड़मेर का जागरूक युवा होने के नाते आप सभी से भी आग्रह करता हूं कि इस मुहिम में जुड़ें और सरकार के जो नुमाइंदे दिल्ली के अंदर बैठे हैं उनको अवगत कराएं कि इस रोड पर रेल यात्रा शुरू करने से हमें बहुत सारा फायदा होगा, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि की बात हो। क्योंकि अब बाड़मेर जो है वो कोयले के अंदर देश की पहचान बन गया है, गैस के अंदर पहचान बन गया है, आर्थिक रूप से पहचान बन गया है। इस रूप में बाड़मेर के अंदर इस रेल को अगर शुरू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से पूरे बाड़मेर को और पूरे राजस्थान को फायदा होगा। और मैं इस मुहिम में पूर्णतः साथ हूं और आप सभी से भी निवेदन करता हूं कि इस मुहिम में अपना पूर्ण समर्थन दें जिससे अति शीघ्र जो है ये रेल यात्रा शुरू हो सके। ताज़ा न्यूज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर एंड कॉमेंट करना ना भूलें।